हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रिले गेम लेके आया हूँ। ये रिले रेस की तरह ही है। जैसे रिले रेस में होता है, हमारे चार प्लेयर होते हैं। हर एक प्लेयर 100 100 मीटर्स के बाद खड़ा होता है। पहले प्लेयर के हाथ में एक डंडा सा होता है, वो जाता है 100 मीटर्स क्रॉस करता है, वो आगे वाले प्लेयर को देता है वो डंडा। फिर वो जो सेकेंड प्लेयर है वो उस डंडे को पकड़ के भागता है, देन वो अपने 100 मीटर्स पूरे करता है। जो डंडा है वो तीसरे प्लेयर को देता है। ऐसे करते करते फोर्थ तक पहुंचता है और फोर्थ वाला रेस को फिनिश करता है। सो इसी तरीके से आज मैं आपके लिए एक रिले गेम लेके आया हूँ, जो कि टाइम लिमिट गेम नहीं है, ग्रुप गेम है। आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के लिए ये सामान अरेंज करेंगे। जैसे आपकी पार्टी के अंदर 20 लोग हैं, आप पाँच पाँच का ग्रुप बना लीजिए और 4 टेबल्स पे ये सामान अरेंज कर दीजिए। ये सामान इजीली घर पे अवेलेबल होता है। मैच स्टिक चाहिए आपको, सुई धागा चाहिए, बैलून्स चाहिए और कैंडल्स चाहिए। कैंडल्स आप 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, जितने आपकी मर्जी हो, लेकिन ज़्यादा ना रखिए, नहीं तो गेम थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ गेम करनी है, खेलनी कैसे है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये गेम खेलनी कैसे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने ग्रुप्स डिवाइड करे हैं उनको हम बोलेंगे कि आपको अपने टेबल से 5 स्टेप्स दूरी पे खड़े होना है। और मतलब पूरी की पूरी टीम, जो 5 5 मेंबर्स की टीम है, उनको 5 स्टेप्स दूर पे खड़ा होना है। एक एक मेंबर भाग के टेबल के पास आएगा और अपनी टास्क कंप्लीट करेगा। टास्क कैसे कंप्लीट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला मेंबर आएगा, भाग के आएगा, वो देखेगा, उसको सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले नीडल है, उसके बाद बैलून है, फिर हमारी मैच स्टिक है, फिर कैंडल है, फिफ्थ प्लेयर के लिए सरप्राइज है। तो पहला मेंबर आएगा, भाग के सुई निकालेगा यहाँ से, उसके अंदर धागा डालेगा और सुई धागा बोल के वापस अपनी लाइन में जाएगा। अपने सेकंड प्लेयर को ताली मारेगा। सेकंड प्लेयर को जैसी ताली मिलेगी वैसे ही वो भाग के आएगा, यहाँ पे एक बैलून उठाएगा, उसको फुलाएगा, उस पर गीठा मारेगा और फिर वापस भागेगा, अपने दूसरे प्लेयर को ताली देगा। फिर तीसरा प्लेयर भाग के आएगा, ये मैच स्टिक्स को वापस से मैच बॉक्स के अंदर डालेगा। सारी नहीं डालनी, आप चाहे तो कर सकते हैं कि सारी की सारी मैच स्टिक आप अंदर डालें। और फिर ये वाला प्लेयर, जो तीसरा प्लेयर आया, वो भाग के वापस अपनी टीम के पास जाएगा, ताली देगा। चौथा प्लेयर आएगा, मैच स्टिक ओपन करेगा, एक मैच स्टिक निकालेगा, उसको जला कर सारी की सारी कैंडल्स को जलाएगा। चाहे तो वो एक मैच स्टिक का यूज़ करे, 2 मैच स्टिक का यूज़ करे, ये उनकी टीम के ऊपर है, उस मेंबर के ऊपर है। फिर जैसे ही सारी कैंडल्स जल जाएगी वैसे ही वो प्लेयर भाग के अपनी टीम के पास जाएगा। जो फिफ्थ प्लेयर है उसको ताली देगा, जो बचा हुआ फिफ्थ प्लेयर था, लास्ट प्लेयर था, उसको ताली देगा। वो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले वो यहाँ पे इसको ब्लो करेगा, जितनी भी कैंडल्स जल रही थी सबको बुझा देगा। जो मैच स्टिक्स थी उनको सबको बाहर निकाल के वापस ऐसे रख देगा। इस बैलून को फोड़ देगा, पंचर करेगा, लेकिन हाथ से ही करना है उसको, उसको नीडल का यूज़ नहीं करना, किसी और चीज़ का यूज़ नहीं करना। उसके बाद वो इस सुई धागे जो सुई के अंदर धागा डला हुआ था उसको वहां से निकाल देगा और बोलेगा कि टास्क ओवर। सो इसी तरीके से जैसे ही फिफ्थ मेंबर टास्क ओवर बोलेगा वहां तक का टाइम कैलकुलेट होगा। वैसे ग्रुप गेम है तो यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके इतनी सारी टेबल्स का अरेंजमेंट नहीं हो सकता तो आप टाइम कैलकुलेट करके गेम खेल सकते हैं। और जो भी ग्रुप मेंबर सबसे पहले बोलेगा टास्क कंप्लीटेड, वही ग्रुप इस गेम का विनर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये गेम समझ आ गई होगी और आपको इसको खेलने में जितना आपको मज़ा आया है इस गेम को सुनने में, उससे ज़्यादा मज़ा आपको इसको खेलने में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कल फिर मिलेंगे एक नई गेम के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।